पीएम मोदी ने आज वैक्सीन लॉन्च होने के मौके पर कहा कि वैज्ञानिकों ने सेफ वैक्सीन बनाई है, देश को वैक्सीन बनाने वालों पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस को स्वदेशी वैक्सीन पर शर्म महसूस हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के दिन वैक्सीन को लेकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार लोगों पर टीका थोप रही है, कौन सा टीका लगाना है ये उस शख्स का फैसला होना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप कौन सा टीका लगाना चाहते हैं, तो ये तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जो मेडिकल एथिक्स की बिल्कुल हृदय में जाता है, जो एक बुनियादी उसूल है मेडिकल एथिक्स का, ये तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। भाई सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे, ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। और देश के सबसे बड़े अस्पताल के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाई, लेकिन मनीष तिवारी को ये नहीं नजर आ रहा है। मनीष तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। हर मुल्क में जहां पे टीकाकरण शुरू हुआ है, जो मुल्क के मुखिया है, अमरीका में जो बाइडन है, उनकी उपराष्ट्रपति कमीला हैरिस है, उनके सेनेट के मेंबर हैं, उनके कांग्रेसमैन हैं, उन सब ने सबसे पहले टीका लगवाया कि देश को एक संदेश देने के लिए कि ये टीका सुरक्षित है और ये आपकी हिफाजत करेगा। इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगाया, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक हेड हैं क्वीन एलिजबेथ, उन्होंने टीका लगाया। बाकी मुल्कों में भी यही प्रक्रिया उठाई गई है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। मनीष तिवारी को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कड़ा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वैक्सीन पर गलत फहमी ना फैलाए। हर्षवर्धन ने कहा कि उनका काम राजनीति है, लेकिन हमारा काम राष्ट्रनीति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार, अफवाहों का या गलत फहमियाँ जो पैदा की जाने की कोशिश हो रही है, उसका किसी भी कीमत पर शिकार ना हो। दोनों वैक्सीन्स आपके प्राणों की रक्षा के लिए हैं, देश के रक्षा के लिए हैं, और हर तरीके से ये वैक्सीन्स सेफ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है। इसलिए इन वैक्सीन्स के बारे में और इस सारी प्रक्रिया के बारे में कोई किसी भी प्रकार का शक शुभ संदेह न रखे। सर कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है, मनीष तिवारी का यह कहना है कि अगर वैक्सीन मुझे किसी राजनीति के साथ संबंधित उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जिन लोगों का काम राजनीति करना है वो राजनीति करते रहेंगे, जिनका काम जो है राष्ट्र की और समाज की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में आज कहां बमबाजी हुई, ममता राज के रक्तचरित्र सियासत की एक और तस्वीर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।